हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाड़ बीटी फॉरगॉट पासवर्ड ओटीपी नॉट रिसीव। तो यहाँ पे महाड़ बीटी में जब आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं और उसका ओटीपी आपको रिसीव नहीं होता है, नहीं मिलता है, ओटीपी नहीं आता है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यही इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आप सबसे पहले देख सको। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा थर्ड नंबर पर, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस अपनी स्क्रीन पर देखने मिलेगा। यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन दिखेगा तो क्लियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ तीन चीज़ आपको क्लियर करना है, सबसे पहले ब्राउजिंग हिस्ट्री, सेकंड नंबर पे कुकीज़ एंड साइट डेटा और थर्ड नंबर पे है कैचेड इमेजेस एंड फाइल्स और सबसे लास्ट में इधर नीचे पे क्लियर डेटा के ऑप्शन दिखेंगे आपको, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लियर डेटा ये सब चीज़ का करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है, ऐप है, वो क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियर करना है, इसके बाद आपको नेटवर्क की सेटिंग करना है। तो वो आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, फिर बाद में आप महाड़ बीटी ओपन करके अपना फॉरगॉट पासवर्ड करके ट्राई कर सकते हैं ओटीपी के लिए। यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पर देखने मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद सिम सिलेक्ट करना है आपको, सिम वन या सिम टू। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा प्रीफर नेटवर्क टाइप, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन दिखेगा 2G 3G और 4G का, तो 4G का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 2G या 3G सिलेक्ट करते हैं और इसकी वजह से उन लोगों को स्लो नेटवर्क मिलता है और जब आप नेटवर्क के लिए ओटीपी के लिए ट्राई करते हैं तो आपको स्लो नेटवर्क की वजह से ओटीपी रिसीव नहीं होता है, ओटीपी नहीं आता है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आपको एकदम हाईएस्ट नेटवर्क सिलेक्ट करके रख देना है 4G और इसके बाद यहाँ पे आपको एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। मोबाइल को बंद करके चालू करने के बाद जब यहाँ पे महाड़ बीटी ओपन करेंगे और फॉरगॉट पासवर्ड करके आप ट्राई करेंगे ओटीपी के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से मैं आपको सब सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको क्लियर करना है, क्लियर डेटा करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग करना है और लास्ट में यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। उसके बाद ट्राई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।